प्यारे बच्चों, कक्षा आठवीं में हिंदी कालांश में आज हम भारत की खोज पूरक पाठ्य पुस्तिका का अध्याय चार पढ़ेंगे, जिसका नाम है युगों का दौर। हम पढ़ रहे थे विदेशों पर भारतीय कला का प्रभाव, इसका एक भाग हम पढ़ चुके हैं। शुरुआत करते हैं अगले भाग की। भारतीय कला अपने आरंभिक काल में प्रकृतिवाद से भरी है, जो कुछ अंशों में चीनी प्रभाव के कारण हो सकता है। भारतीय कला के इतिहास की विभिन्न अवस्थाओं पर चीनी प्रभाव दिखाई पड़ता है। चौथी से छठी शताब्दी ईस्वी में गुप्त काल के दौरान, जिसे भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, अजंता की गुफाएं खोदी गईं और उनमें भित्ति चित्र बनाए गए। बाघ और बादामी की गुफाएँ भी इसी काल की हैं। तो यहाँ पे हमने पहले भी देखा कि जो भारतीय कला है उसमें प्रकृति का वर्णन देखने को मिलता है। तो भारतीय कला जो थी वो प्रकृतिवाद से भरी थी, उसमें प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन प्रस्तुत होता है, जो कहीं ना कहीं चीनी प्रभाव के कारण हो सकता है। हो सकता है कि चीनी चित्रकला का उस पर थोड़ा असर रहा हो। भारतीय कला के इतिहास की विभिन्न अवस्थाओं पर चीनी प्रभाव दिखाई पड़ता है। चौथी से छठी शताब्दी ईस्वी में गुप्त काल के दौरान, जिसे भारत का क्या कहा गया है, स्वर्ण युग कहा गया है। जो चौथी से छठी शताब्दी थी, गुप्त काल जो था, उससे भारत का स्वर्ण युग कहा गया। और उस समय जो अजंता की जो गुफाएं थी वो उस समय खोदी गई और उस समय दीवारों पर चित्र बनाए गए। बाघ और बादाम की जो गुफाएं हैं वे भी इसी काल की मानी जाती हैं। अजंता हमें किसी स्वप्न की तरह दूर किंतु असल में एकदम वास्तविक दुनिया में ले जाती है। इन भित्ति चित्रों को बौद्ध भिक्षुओं ने बनाया था। बहुत समय पहले उनके स्वामी ने कहा था, स्त्रियों से दूर रहो, उनकी तरफ देखो भी नहीं, क्योंकि वे खतरनाक है। इसके बावजूद इन चित्रों में स्त्रियों की कमी नहीं है। सुंदर स्त्रियां, राजकुमारियां, गायिकाएं, नर्तकियां बैठी और खड़ी श्रृंगार करती हुई या शोभा यात्रा में जाती हुई, ये चित्रकार भिक्षु संसार को और जीवन के गतिशील नाटक को कितनी अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने ये चित्र उतने ही प्रेम से बनाए हैं जितने प्रेम से उन्होंने बोधिसत्व को उनकी शांत लोकोत्तर गरिमा में चित्रित किया है। यहाँ पे बताया गया कि जो अजंता की गुफाएं हैं, वहाँ पर जो भित्ति चित्र हैं, वे हमें एक दूसरी ही अलौकिक दुनिया में ले जाते हैं। ऐसा लगता है कि किसी स्वप्न से भी परे एक अलग ही दुनिया है। इन भित्ति चित्रों को बौद्ध भिक्षुओं ने बनाया था। ऐसा माना जाता है कि जो बौद्ध भिक्षु थे, जो जगह जगह घूमते थे, उन्होंने इन चित्रों को बनाया है, उन्होंने अपनी कल्पनाओं को दीवारों पर उकेरा है। बहुत समय पहले उनके जो स्वामी थे उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि स्त्रियों से दूर रहें, उनकी ओर ना देखें, क्योंकि वे खतरनाक हैं। इसके बाद भी जो चित्र हैं उनमें स्त्रियों से संबंधित चित्र काफ़ी मिलते हैं। जैसे सुंदर सुंदर स्त्रियां उसमें देखने को मिलती है, राजकुमारियों के चित्र हैं, गायिकाएं गायन करती हुई दिखाई देती है चित्रों के माध्यम से, नर्तकियां नृत्य की मुद्रा में दिखाई देती हैं, कुछ स्त्रियां जो है बैठी हैं, खड़ी हैं, कुछ श्रृंगार करती हुई नज़र आ रही हैं, या कोई शोभा यात्रा निकल रही है जिसमें स्त्रियाँ प्रमुख रूप से दिखाई देती हैं। ये जो चित्रकार थे ये भिक्षु संसार को और जीवन के गतिशील नाटक को बड़ी अच्छी तरह से जानते थे, अर्थात स्त्रियों के बिना संसार संभव नहीं है वे जानते थे। उन्होंने ये चित्र उतने ही प्रेम से बनाए हैं जितने प्रेम से उन्होंने बोधिसत्व को उनकी शांत लोकोत्तर गरिमा में चित्रित किया है। जिस प्रकार उन्होंने बौद्ध भगवान के चित्र बनाए, जिस प्रकार से उनकी पूरी जीवन घटनाएं थी उन्हें उकेरा, उसी प्रकार से उन्होंने अन्य चित्रों को भी बड़े प्रेम से बनाया है।
सातवीं आठवीं शताब्दियों में ठोस चट्टान को काटकर एलोरा की विशाल गुफाएं तैयार हुई, जिनके बीच में कैलाश का विशाल मंदिर है। यह अनुमान करना कठिन है कि इंसान ने इसकी कल्पना कैसे की होगी या कल्पना करने के बाद अपनी कल्पना को रूपाकार कैसे दिया होगा। एलिफेंटा की गुफाएं भी इसी समय की है, जहां प्रभावशाली और रहस्यमयी त्रिमूर्ति बनी है। दक्षिण भारत में महाबलीपुरम की इमारतों का निर्माण भी इसी समय हुआ था। यहाँ पे देखिए, अजंता की जो गुफाएं हैं उनमें बहुत से भित्ति चित्र हैं, उन भित्ति चित्रों में से एक चित्र, और उसी प्रकार महाबलीपुरम जिसके बारे में भी चर्चा की है, तो महाबलीपुरम की भी एक इमारत का चित्र। इस प्रकार वहाँ पर बहुत सारी इमारतें और बहुत सारी सुंदर सुंदर भित्ति चित्र हैं जो उस समय के जीवन काल को प्रस्तुत करते हैं। तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि सातवीं आठवीं शताब्दी में इतनी ठोस चट्टानों को काट काट कर किस प्रकार से जो मूर्तियां हैं, जो गुफाओं के अंदर भित्ति चित्र हैं, वे किस प्रकार से तैयार किए गए होंगे। यहाँ पे बताया कि जो एलोरा की गुफाएं हैं वह भी सातवीं आठवीं शताब्दी में ही तैयार की गई थी। वहाँ पे कैलाश का एक विशाल मंदिर है, बहुत ही बड़ा विशाल मंदिर है वहाँ पर। यह अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है कि इंसान ने किस प्रकार सोचा होगा और किस प्रकार से अपनी कल्पना को रूपाकार किया होगा, किस प्रकार से आकार दिया होगा। एलिफेंटा की गुफाएं भी जो है वो इसी समय की है, जहां प्रभावशाली और रहस्यमयी मूर्तियां बनी हैं। दक्षिण भारत में जो महाबलीपुरम, अभी मैंने आपको चित्र दिखाया, वहां की जो इमारतें हैं, वहां उनका निर्माण भी लगभग सातवीं आठवीं शताब्दी के आसपास ही हुआ था। एलिफेंटा की गुफाओं में नटराज शिव की एक खंडित मूर्ति है, जिसमें शिव नृत्य की मुद्रा में है। हैवेल का कहना है कि इस क्षत विक्षत अवस्था में भी यह मूर्ति भीमाकार शक्ति का मूर्त रूप है और इसकी कल्पना अत्यंत विशाल है। ब्रिटिश संग्रहालय में विश्व का सृजन और नाश करते हुए नटराज शिव की एक और मूर्ति है। एब्स्टीन ने लिखा है कि उनकी विशाल लयात्मकता काल के विराट युगों का आह्वान करती है। तो एलिफेंटा की गुफाएं हो या कहीं पर ऐसे जहां पर भी गुफाएं हैं, तो एलिफेंटा की गुफाओं में जो नटराज शिव की मूर्ति है वो खंडित हो चुकी है, टूट फूट चुकी है, परंतु फिर भी वह अभी तक है। और वह जो मूर्ति है उसमें शिव जो है वो नृत्य नाच करते हुए उस मुद्रा में है। हैवेल जो है उनका कहना है कि क्षत विक्षत ने टूटी फूटी अवस्था में भी जो ये मूर्ति है ये इतनी बड़ी है, इतनी विशाल है और एक भीमाकार शक्ति का मूर्त रूप धारण किए हुए है। इसकी कल्पना अत्यंत विशाल है, किस प्रकार उस समय इतने पुराने समय में ये मूर्तियाँ बनी होंगी जो अभी भी एक तरह से जीवंत नज़र आती है। ब्रिटिश संग्रहालय में भी विश्व का सृजन मैंने विश्व का निर्माण करते हुए और नाश करते हुए जो नटराज शिव की एक मूर्ति स्थापित है, एब्स्टीन ने लिखा था उस मूर्ति के बारे में कि विशाल लयात्मकता काल के विराट युगों का, उसकी जो विशाल लयात्मकता है वह काल के विराट युगों का आह्वान करती है। ऐसे वो दिखाती हैं कि पहले जो काल हुए थे, पहले जो युग हुए हैं वे किस प्रकार हुए होंगे। जावा में बोरी बुदुर से बोधिसत्वों का एक सिर कोपेनहेगन के ग्लिप्टोटेक ले जाया गया है। रूपगत सौंदर्य की दृष्टि से तो यह सिर सुंदर है ही, इसमें कुछ और गहरी बात है जो बोधिसत्व की शुद्ध आत्मा को इस तरह उद्घाटित करती है जैसे दर्पण में प्रतिबिंब। वह एक ऐसा चेहरा है जिसमें समुद्र की गहराइयों की प्रशांति, निरभ्र नीले आकाश की स्वच्छता और इंसानी पहुंच से परे का परम सौंदर्य मूर्तिमान हुआ है। अब हम जो जावा द्वीप की बात कर रहे थे पहले अध्याय में, तो वहां पर बोरी बुदुर से जो बोधिसत्व का एक सिर है वो कोपेनहेगन के ग्लिप्टोटेक ले जाया गया है, और रूपगत सौंदर्य की दृष्टि से यह जो सिर है यह अत्यंत ही सुंदर है। इसमें बहुत सी गहरी बातें हैं जो उस समय बोधिसत्व की जो शुद्ध आत्मा है उसको साफ साफ दर्शाती है। जैसे हम
दर्पण में प्रतिबिंब देखते हैं उसी प्रकार, मतलब बिल्कुल आईने की तरह साफ वह दिखाई देता है। वह एक ऐसा चेहरा है जिसमें समुद्र की गहराइयों की प्रशांति, जिसमें जैसे समुद्र की गहराई में जल किस प्रकार से शांत हो जाता है ना, और जो आकाश है वो कितना स्वच्छ साफ नीला दिखाई देता है, और इस प्रकार की मतलब उसमें क्या है, पारदर्शिता है, इतनी स्वच्छ है, निर्मल है, और इंसान की पहुंच से दूर उसका सौंदर्य है। आगे बढ़ते हैं, भारत का विदेशी व्यापार। ईसवी सन के पहले 1000 वर्षों के दौरान भारत का व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था और बहुत से विदेशी बाज़ारों पर भारतीय व्यापारियों का नियंत्रण था। पूर्वी समुद्र के देशों में तो उनका प्रभुत्व था ही, उधर वह भूमध्य सागर तक भी फैला हुआ था। अब यहाँ पे बताया है कि जो भारत का विदेशों से व्यापार था वो कहाँ कहाँ तक किस प्रकार फैला हुआ था। तो ईसवी सन के पहले 1000 वर्षों के दौरान भारत का जो व्यापार है वह काफ़ी दूर दूर तक कई विदेशों तक फैला हुआ था, और बहुत से जो विदेशी बाज़ारों पर भारतीय व्यापारों का नियंत्रण था, बहुत से विदेशी जो बाज़ार थे वहाँ पर भारतीय व्यापारी ही उसे नियंत्रित करते थे, यानी वहाँ तक उनकी पहुँच थी। तो पूर्वी समुद्र के जो देश थे वहाँ पर भी भारतीय व्यापारियों का स्थायित्व था, और भूमध्य सागर तक यहाँ उनका जो व्यापार था वह फैला हुआ था। भारत में बहुत प्राचीन काल से कपड़े का उद्योग बहुत विकसित हो चुका था। भारतीय कपड़ा दूर दूर के देशों में जाता था। रेशमी कपड़ा भी यहाँ काफ़ी समय से बनता रहा है, लेकिन वह शायद उतना अच्छा नहीं होता था जितना चीनी रेशम, जिसका आयात यहाँ ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी से ही किया जाता था। तो भारत में से जो व्यापार होता था उसमें से कपड़ा उद्योग भी काफ़ी विकसित था उस समय तक, और भारतीय कपड़ा जो था वो दूर दूर के देशों तक बिकने के लिए जाता था। रेशमी कपड़ा भी यहाँ काफ़ी समय तक बनता रहा, लेकिन चीनी रेशम जो था वह ज़्यादा अच्छा हुआ करता था, जिसका आयात जो था वो ईसा पूर्वी 4वीं शताब्दी से ही किया जाता था। जो चीनी रेशम था, रेशमी कपड़ा जो था, वह ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी से ही भारत में आया करता था। भारतीय रेशम उद्योग ने बाद में विकास किया, लेकिन बहुत नहीं। कपड़े को रंगने की कला में उल्लेखनीय प्रगति हुई और पक्के रंग तैयार करने के खास तरीके खोज निकाले गए। तो जो भारतीय रेशम था उसका उद्योग विकसित तो हुआ, पर बहुत ज़्यादा विकसित नहीं हुआ, क्योंकि चीनी रेशम ज़्यादा अच्छा हुआ करता था। फिर कपड़े को रंगने की कला में जो थी वो बहुत अधिक प्रगति हुई, पक्के रंग तैयार करने के खास तरीके खोजे जाने लगे। इनमें से एक नील का रंग था, नीला रंग, जिसे अंग्रेजी में इंडिगो कहते हैं। हम जानते हैं इंडिगो रंग कैसा होता है, तो वह भारत से ही, वो रंग जो था उसे भारत में ही तैयार किया जाने लगा। यह शब्द इंडिया से बना है और अंग्रेजी में यूनान के माध्यम से आया है। तो ये जो इंडिगो शब्द है यह इंडिया से ही बना है, क्योंकि इसकी शुरुआत इंडिया से हुई थी। फिर अंग्रेजी में कैसे गया, यूनान के ज़रिए गया। ईसवी सन की आरंभिक शताब्दियों में भारत में रसायन शास्त्र का विकास और देशों की तुलना में शायद अधिक हुआ था। भारतीय प्राचीन काल से ही फौलाद को ताव देना जानते थे। भारतीय फौलाद और लोहे की दूसरे देशों में बहुत कद्र की जाती थी, विशेष रूप से युद्ध के कामों में। भारतीयों और बहुत सी धातुओं की भी जानकारी थी भारतीयों को और बहुत सी धातुओं की भी जानकारी थी और उनका इस्तेमाल किया जाता था। औषधियों के लिए धातुओं के मिश्रण तैयार किए जाते थे। आसव और भस्म बनाना ये लोग खूब जानते थे। औषध विज्ञान काफ़ी विकसित था। मध्य युग तक प्रयोगों में काफ़ी विकास किया जा चुका था, गर्चे ये प्रयोग मुख्य रूप से प्राचीन ग्रंथों पर आधारित थे। शरीर रचना और शरीर विज्ञान का अध्ययन किया जाता था, और हार्वे से बहुत पहले रक्त संचार की बात सुझाई जा चुकी थी। तो ये जो मैंने बताया अभी आपको कि इंडिगो जो रंग था, नीला रंग था, वह भारत से ही उसकी शुरुआत हुई, भारत में ही बना। फिर ईसवी सन की आरंभिक शताब्दियों में भारत में रसायन शास्त्र का भी विकास हुआ
और जो दूसरे देशों की तुलना में सबसे ज़्यादा विकसित हुआ। फिर भारतीय प्राचीन काल से ही क्या जानते थे, फौलाद को ताव देना जानते थे, यानी लोहे को पिघला कर उससे अलग अलग प्रकार की चीज़ें बनाना वे बहुत अच्छे से जानते थे। और भारतीय फौलाद और लोहे की दूसरे देशों में बहुत कद्र की जाती थी, बहुत ही अच्छी किस्म का लोहा हुआ करता था। विशेष रूप से युद्ध के लिए जो औजार बनाए जाते थे वह बहुत अच्छे बनाते थे भारतीय लोग। भारतीयों को अन्य कई धातुओं की भी बहुत अच्छी जानकारी थी और वे उसका इस्तेमाल करना, उसका प्रयोग करना भी जानते थे। औषधियों के लिए भी, दवाइयों के लिए भी धातुओं के मिश्रण तैयार किए जाते थे। आसव इन्हें शराब और भस्म इन्हें राख बनाना भी ये लोग बहुत अच्छी तरह से जानते थे। औषध विज्ञान भी भारत में बहुत ज़्यादा विकसित हुआ, बहुत ज़्यादा इसका विकास हुआ। मध्य युग के दौरान जो थे वो काफ़ी अन्य प्रयोग भारत में किए गए और वे सफल भी हुए। हालांकि ये जो प्रयोग थे ये प्राचीन ग्रंथों पर आधारित थे, प्राचीन ग्रंथों पर ही आधारित थे। इनके बारे में प्राचीन ग्रंथों में काफ़ी कुछ जानकारियाँ मिल जाती थी। शरीर रचना, शरीर की बनावट अंदर से कैसी है, शरीर में कौन कौन से हिस्से हैं, इन हिस्सों का क्या काम है, शरीर विज्ञान का अध्ययन किया जाता था। और हार्वे, विलियम हार्वे जो इंग्लैंड के बहुत बड़े चिकित्सक थे, उनसे पहले रक्त संचार की जानकारी भी भारतीयों को थी। तो इस प्रकार से हमने आज इसमें देखा, इस भाग में, कि किस प्रकार से भारत में कला, विज्ञान, व्यापार किस तरह से आगे बढ़ता चला गया, किस प्रकार से उन सब चीज़ों का विकास हुआ। अगले भाग में हम देखेंगे और अन्य जानकारियाँ हासिल करेंगे भारत के इतिहास के बारे में।